सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, आपको इस साल चारधाम यात्रा करने में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी फेस ना करनी पड़े, इस पर उत्तराखंड गवर्नमेंट पूरी तरह से लगातार काम कर रही है। और इसी बीच उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आप सभी की सुविधा पर नजर रखते हुए आज यानी 10 फरवरी 2023 को एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। और इस न्यू अपडेट से आपको चारधाम यात्रा करने में अब किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या है ये न्यू अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 2022 की, तो कई सारी जगहों पर आपको अपने व्हीकल की, वाहन की चेकिंग के लिए रोका जाता था, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर श्रीनगर। और भी बहुत सी जगहें थी जहां पर आपके व्हीकल को चेक पोस्ट पर रोका जाता था और फिर उनके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे, जैसे RC, पॉल्यूशन, DL और जो गाड़ी में लोग बैठे हैं क्या उनका यात्रा पास बना है या फिर नहीं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको चारधाम यात्रा करने से पहले बस ग्रीन कार्ड या फिर ट्रिप कार्ड देखकर यात्रा करने दिया जाएगा और फिर आपको कहीं नहीं रोका जाएगा। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? तो देखो दोस्तों, आपकी यात्रा में बाधा ना आए, रुकावट ना आए, आपको बार बार चेक पोस्ट पर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए ना रुकना पड़े, इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये न्यू सिस्टम जारी किया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो आपका व्हीकल है, वाहन है और जो यात्रा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया ना जाए। बस इस अपडेट का बेनिफिट यही है कि आपको पहले की तरह चेक पोस्ट पर अब बार बार नहीं रुकना पड़ेगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही बार चेक किए जाएंगे। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड निकले तो आपको ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड देकर आगे जाने दिया जाएगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो आपको ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ये ग्रीन कार्ड मिलेगा कहाँ से और हमारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कहाँ होगी? तो देखो दोस्तों, ये चेक पोस्ट आपको सबसे पहले रुड़की में, उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में, इन सभी जगहों पर आपके व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाएगी कि वो वैलिड है या फिर अनवैलिड। अगर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है तो आपके व्हीकल पर, आपके वाहन पर ग्रीन कलर का एक ग्रीन कार्ड या फिर एक ट्रिप कार्ड आपके व्हीकल के फ्रंट में जो शीशा होता है वहां पर लगा दिया जाएगा। फिर उस कार्ड के जरिए आपको किसी भी चेक पोस्ट पर नहीं रुकना पड़ेगा। उस कार्ड के जरिए आपकी व्हीकल को पहचाना जाएगा कि आपके वाहन के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं और आपको चारधाम यात्रा करने दिया जाएगा। अब आपको हरिद्वार, ऋषिकेश के बाद किसी भी चेक पोस्ट पर नहीं रुकना पड़ेगा। इससे दोस्तों हो सकता है कि अब सड़कों पर ट्रैफिक भी कम लगेगा, क्योंकि अब आपको चेकिंग के लिए बार बार सड़कों पर नहीं रुकना पड़ेगा। इसके साथ ही यात्रा के समय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज होती हैं, उनका एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सालों पुरानी वो ही बसेज चल रही हैं। तो इन बसेज से किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो इस साल चारधाम यात्रा 2023 में, उसके लिए 150 से ज़्यादा बसेस भी इस साल चारधाम यात्रा के लिए चलाई जाएगी। और अगर फिर भी बसेस की कमी पड़ती है तो यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से बसेस मंगवाई जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बार अनुमान है कि पिछले साल 46 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन किए थे और इस साल इससे भी ज्यादा यात्री आने की आशंका है। तो इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ये सभी इंतजाम, ये सभी सुविधाएं आप सभी यात्रियों के लिए पहले से ही करके चल रही है। तो दोस्तों, आप भी उत्तराखंड गवर्नमेंट को कमेंट्स में थैंक यू जरूर बोलें। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर से लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और हमारे कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है और इन फ्यूचर भी आप ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उत्तराखंड ब्यूटी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर DM कर देना और अदर इंक्वायरी के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।